हमने ना दो बार ट्राई किया था, दो बार कार्ड उठाने वाला, और वो इतना अच्छा है ना, जैसे एक में का है तो दूसरे में भी का आना चाहिए। तो ऐसे इसमें गणेश भगवान जी के ना बहुत सारे नाम लिखे हुए थे, तो नाम ना मैचिंग होने चाहिए। मेरी दोनों बार नहीं मैचिंग हुई। हे गाइस, हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ आपकी प्यारी सी दोस्त श्रुति। तो आज ये जो आप डेकोरेशन देख रहे हैं ना पीछे, ये हमारे यहाँ गणेश चतुर्थी का फेस्ट सेलिब्रेट हो रहा है। अभी बहुत तेज धूप हो रही है और सजावट दोपहर से चालू हो गई है, और सारा फंक्शन ना शाम को सेलिब्रेट होगा। वैसे 4 से 10 का टाइम है, तो अभी तो यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं, और इतना सुंदर लग रहा है ना, इतना सुंदर व्यू लग रहा है कि क्या बताया जाए। क्या खुशी, येलो टी शर्ट वाला लव, ब्लैक टी शर्ट वाला मेरा खुश। विशिष्ट बहुत अच्छा मेला है ना। सर आपके बाजी का जोड़ा डाले भैया, क्या रेट का है? 50 में कितने? कमान जाओ 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 भैया, तुम थोड़ा साइड हो जाओ। हाँ लव, कमान मारो, बलून पे मारो। हाँ पापा से, यस उठा उठा। बहुत सारे झूले तो लपुश ना। और यहाँ पे शॉपिंग का भी लगा हुआ है, शॉपिंग है, खाना पीना है, बाकी झूले हैं। तो लपुश तो ना हमको कहीं आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है, जैसे ही झूला खत्म होता है तुरंत दूसरे में झूले चला जाते हैं, रुक ही नहीं रहा है। तो मतलब बच्चों के हिसाब से ना तो बहुत अच्छा है, जो देखेंगे वही करेंगे। और पापा जी अपने बच्चों को ताल देते हैं, एकदम पॉइंटेड बच्चे हैं पापा जी। पापा जी दिखाइए ना, ये देखो कितनी शार्प है ना, मजा बहुत आ रही है सच में, है ना पापा जी? कैसा लग रहा है मनी? इतनी भीड़ कितनी सारी गैदरिंग देखी ना, बहुत मजा आ रहा है सच में, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग पहले लपकुश से फ्री हो जाए, फिर जैसे उनके सारे हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें खाने पीने से मतलब नहीं है, शॉपिंग से मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ झूले से मतलब है। तो जैसे ही सारे झूले हो जाते हैं ना, फिर हम लोग अपना काम करेंगे, फिर हम लोग खाएंगे पियेंगे शॉपिंग करेंगे, फिर वो दिखाएंगे। इतना बड़ा फेस्ट लगा हुआ है गणेश चतुर्थी का, ये मतलब ना मजा आ रहा। दोपहर से सज रहा था तो हम लोग की बिल्डिंग से दिख रहा था, हम लोग के फ्लैट से दिख रहा था, बट अभी आके यहाँ की रौनक इतनी ज्यादा अच्छी है। और लपुश वो पीछे जंप कर रहे हैं, ब्लैक टी शर्ट एंड येलो टी शर्ट। सबसे मजा तो गन वाले में आता, शॉर्ट लगाने वाले में।
50 रुपए के केवल 6 राउंड और उसमें सिर्फ दो में लगा हुआ था, है ना मनी? सिर्फ दो में, पापा जी इधर आ जाएंगे, तो उसमें ना केवल दो में लगा था, बाकी सारे पैसे तो वेस्ट ही चले जाते हैं, लेकिन मजा बहुत आया था। तो लपुश को मजा आ रही है, तो हम बहुत ये जूता कहाँ है इनकी? इनके शूज हम लोग छुपा छुपा के रख रहे कि कहीं चोरी ना हो जाए। अरे जूते खुश आ जाओ बाबू, ये लोग तो बहुत जल्दी जल्दी कर, वो शूज उठाओ, अपने शूज उठाओ, अपनी हालत दिखाओ, मजा आ रही है। नपुश इधर देखो, अभी मजा आ रही है। नपुश बाय बाय। अरे भाई भाई, लोग को आगे वाली सीट मिल ही गई, कितना लड़ाई कर रहा था पता है, एक क्राउड में अभी उसको आगे वाली सीट चाहिए थी, वहाँ पे नहीं बैठ पाया, बहुत गुस्सा आ रहा था। एक्चुअली आगे वाली सीट का क्रेज अलग होता है ना इसलिए, बट इस राउंड में ना हम बस वेट कर रहे थे कि जैसे ही कोई खाली होगा ना तुरंत उसके हाथ रख देंगे और मतलब लपकुश को बैठा देंगे, और बहुत आराम से मिल गए, अब जाके खुश है वो। लपकुश रुको, पर्ची इसमें निकालनी पड़ती है, जिसने पर्ची ये हाँ चलिए पता है, अगर आपके दोनों नाम मैच कर गए तब आपको प्राइज मिलेगा। पापा जी क्या है? सिंधु स्वर्ण एंड कृपा, नहीं मैचिंग है, नहीं मैचिंग है, देखो मैचिंग की मेरा तो पहली बार, नो नो कोई बात नहीं। आपको दोनों में टिकट उठाना है, तो मैचिंग रखी है सभी बैच है, अभी इनके जीते जीते यही तो बगल में विनर है। ओके नंबर दो रोहित हां चंद्र ने हमने ना दो बार ट्राई किया था, दो बार कार्ड उठाने वाला, और वो इतना अच्छा है ना, जैसे एक में का है तो दूसरे में भी का आना चाहिए, तो ऐसे इसमें गणेश भगवान जी के ना बहुत सारे नाम लिखे हुए थे, तो नाम ना मैचिंग होने चाहिए। मेरी दोनों बार नहीं मैचिंग हुई, पापा जी की भी नहीं हुई, लपकुश की भी नहीं हुई, लपकुश तो चीटिंग कर रहे थे, पता एक का देख रहा था तो दूसरे का देख रहा था कि मैचिंग हो जाए ना तब ये उठा ले, और मेरा चीटर बच्चा शाबाश। और हम वीडियो बना रहे थे ना तो मेरे पास एक बहुत छोटी सी प्यारी सी बच्ची आई है और वो कुछ कहना चाह रही है। हेलो, हाय, तो क्या नाम है आप लोग का? आर्या, मेरा नाम शक्ति है, मेरा नाम आर्या, इसका नाम शक्ति है, मेरी फैन। ओह कितनी प्यारी लग रही हो, और हमको भी फैन बनाओगी? हाँ, तीनों लोग फैन हो गए। चलो सेल्फी लेते हैं, बाप रे आजकल के बच्चे। हाँ चलो चलो देखते हैं सामने क्या मिला है। वाह जूरी, मुझे ज्वेलरी कितनी सारी, ज्वेलरी खरीदनी है? ज्वेलरी फ्लैट 100 रुपए, मैंने देख लो तुम्हें कहीं चाहिए। सुपर्ब, वो कैप पहने, क्यों लड़ाई करते हो? माम आई है, हम दोनों चाहे लड़ाई नहीं करते बेटा, चलो वो बताशे वाला कैप पहने तो कह रहे वहाँ शेफ है वहाँ चलो, पूछना पड़ेगा पड़ेगा। सो यहाँ पे लिट्टी चोखे का स्टॉल लगा हुआ है, साइड लगा हुआ है पिज्जे का स्टॉल। ये कोल्ड ड्रिंक आंटी की है बेटा, वो आंटी की कोल्ड ड्रिंक है, ये डोनट्स और कपकेक,
डोनेट डोनेट ले रहे ले रहे। सारे स्टॉल में इतनी भीड़ है कि वहाँ पे ना ऑर्डर दोगे ना तो एटलीस्ट 20 मिनट लगे जा रहे हैं, इतनी ज्यादा भीड़ है। बड़ी मुश्किल में वहाँ खाने को मिल पा रहा है, तो हम लोग तो भैया वहाँ पे ना खा ही नहीं पा रहे हैं, तो बच्चों को बस झूला झुला दिया। अब बच्चों को भूख लगी बहुत तेज, तो हम लोग जा रहे हैं दूसरी जगह खाने। बाहर डोनट खिलाना। हाँ बाहर डोनट खिलाएंगे, आ जाओ। तो हम लोग को ना बाहर अंदर तो जगह ही नहीं मिली खाने के लिए, इतनी भीड़ है स्टॉल में, इतनी भीड़ है ना कि क्या बताया जाए। तो हम लोग ना बाहर जा रहे हैं, बाहर पे जो स्टॉल लगे हुए हैं ना, तो हम लोग जा रहे हैं बाहर खाने। वहाँ पे भी सारे सेम स्टॉल लगते हैं, वहाँ पे तो डेली लगते हैं, यहाँ पे तो ये लोग आज ही आए हुए हैं, फिर ये अपना चले जाएंगे। बट यहाँ पे ना बिल्कुल जगह नहीं है, बिल्कुल जगह नहीं है। हम लोग ने पिज्जा का ऑर्डर दिया तो पिज्जा 30 मिनट मतलब मिनिमम आपको 30 मिनट लगेंगे, बाकी तो और टाइम लगेगा। सो लवकुश इतने भूखे हैं ना कि हम लोग जा रहे हैं उनको बाहर खिलाने। सो रोड के उस साइड पे है सेव दे रहा है, सेव पूछ लेते हैं। नहीं नहीं मौसमी नहीं चाहिए भैया, हमको ना रास्ते में सेव दिख गया, और वो इतना रात के टाइम ना लो तो थोड़ा सस्ता भी मिल जाता है, अच्छा वाला है बट थोड़ा कम हो जाता है। तो ये इनका 100 रुपए किलो था और भैया ने हमको 80 रुपए में लगा दिया 1 किलो, तो हमने 2 किलो ले लिए। आ रे बेटा, और लवकुश उधर खड़े हुए मम्मा मम्मा चिल्ला रहे, फायदा हो गया बाहर आने से मेरा। दिखाओ मम्मा सील दो। ओके फिर से मनी वही वाला सीन याद आ रहा है जब हम कानपुर में खुली रोड में खा रहे थे ना, अरे कुच्ची। हाँ पापा जी ऐसे खुली रोड थी चारों तरफ ना, अच्छा नजारा था। हाँ आज सर भी नहीं है, सर भी नहीं है। सो आज हम लोग ना फिर से बाहर आए हैं और बिल्कुल सब वही चीज है, पर ना ही आपके सर हम लोग के साथ है, ना ही मेरी पूरी जो फैमिली उस दिन थी जब हम लोग बतासे खा रहे थे ना वो। तो आज हम लोग हैं, हम हैं पापा जी मनी और लवकुश, पर रोड का साइड देखो कितना अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आता है, स्ट्रीट फूड खाने का अपना ही मजा होता है। और पता है हम अपनी फेवरेट खा रहे हैं चाउमीन, बहुत कड़ू बहुत स्पाइसी है चाउमीन, इतनी स्पाइसी है धुएं निकल आए पूरे पूरा खाने की नींद पड़ गई। उसके बाद में आइसक्रीम खानी पड़ी, इतनी मिर्ची। इसने तो हमें लगता है वो जो स्पाइसी वाले चिप्स टाइप के होते हैं ना, बिल्कुल वो फ्लेवर बना था, बहुत स्पाइसी थी। बट जैसे तैसे ना हम लोगों ने फिनिश किए, बर्बाद नहीं किया। तो मेरा एक मोबाइल तो ख़राब हो गया है और ये दूसरे मोबाइल से मेरा काम चल रहा है, और बस अब हम लोग खा पी के जा रहे हैं। ये एक पूरा गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल था, एक फेस्ट था जिसमें सारे स्टॉल लगे हुए थे, क्लोथिंग के थे बहुत सारे, शू बहुत सारे सूट्स थे, लेडीज़ वियर सारी ड्रेसेस थी, ज्वेलरी थी डिफरेंट टाइप की, खाने के स्टॉल लगे थे, इतना सारा कलेक्शन था, देखने के लिए लगे थे, बहुत अच्छा लगा। और बस ये था मेरा आज का वीडियो, वीडियो आपको अच्छा, ये देखो मेरा फ़ोन बंद हो गया है, ये चल ही नहीं रहा है, सो हमको ना दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। और अब हम अपने वीडियो को यहीं पे रखते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। बाय
इश्क सिखा मैं तो आई जग तज के इश्क सिखा।